हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। हम अपना चैप्टर कर रहे थे हिज फर्स्ट फ्लाइट, थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो फर्स्ट पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट हम कर रहे थे। हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब हम पेज नंबर 34 पर हैं। इसका पार्ट टू अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो पहले फर्स्ट पार्ट आप देख लेना, उसके बाद हम पेज नंबर 34 से ये दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक का है। सो गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे ये एक समुद्री पक्षी की थी जिसमें वो उड़ने से डरता था और उसके माँ उसको खाना नहीं दे रही थी, उसके भाई बहन भाई भी उसको चिढ़ाते थे, उसके पापा मम्मी सब उसको डांटते थे और चिढ़ाते थे कि तुम डरपोक हो, तुम उड़ते नहीं हो। तो वो सब लोग उसको कोशिश कर रहे थे कि वो उड़ना सीखे, सेल्फ डिपेंड हो जाए, मतलब वो उसके लिए निर्दयी बन रहे थे उसको, उसकी भलाई के लिए। तो अब यहाँ पर वो पक्षी भीख मांग रहा था अपनी माँ से खाने के लिए, और उसकी माँ जो थी वो खाना लेकर उसको सिर्फ दिखाती थी ताकि वो उड़ना सीखे, उसको देने की इंटेंशन उसकी नहीं होती थी। वो उसको खाना दिखाकर उसको ऐसा कोशिश करती थी कि वो खाने के पीछे भागे और वो उड़ना सीख जाए। तो यहाँ पर जो पक्षी है उस वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। गोल कोला शी स्क्रीम बैक डाइवर्स ड्राई सिंडी बट शी केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। ही लैंडेड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू स्पेस। सो इसमें इस पैराग्राफ में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम ये देख रहे हैं कि आवाज़ जो पक्षी है वो गागा की आवाज़ निकल रहा है, वह चीखता हुआ उसने अपने लिए भोजन लाने की प्रार्थना करता है, वो अपनी माँ से उससे बैगिंग करता है, गा कोला की आवाज़ निकालता है निंदा करने के लिए कि लहजे में वह पुनः चीखने लगी, उसकी माँ उसको डांटने लगी कि तुम जो है एक स्टूपिड हो, तुम उड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। उसकी माँ उसको डांटती है परंतु वह दुख से चीखता रहा और एक मिनट के पश्चात ही खुशी से चीख उठा क्योंकि उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ इसे लेकर उड़ रही थी। जैसे ही उसने उड़ान भरी वह जिज्ञासावश चट्टान पर अपने पैर पटकता हुआ उसके अधिक निकट आने के लिए आगे की तरफ झुक गया, मगर जब वह उसके शिला फलक के काफ़ी करीब ठीक उसके सामने थी, बिल्कुल चट्टान के सामने उसकी माँ बैठी हुई थी खाना लेकर, तो वह ठहर गई। उसकी आँखें बेजान होकर लटक गई और उसके पंख जो गतिहीन हो गए और उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा करीब करीब उसके बच्चे की चोंच की पहुंच के दायरे में था। उसने आश्चर्य से एक पल प्रतीक्षा की, उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह उसके समीप क्यों नहीं पहुंच रही थी, वो उसको लग रहा था कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है खाना लेकर, तथा फिर वह भूख से पागल हो रहा था, मछली पर झपट पड़ा और वह एक तीव्र चीख के साथ ही वह आगे गिरा एवं नीचे रिक्त जगह में खाली जगह में जाने वह गिरने लगा, जो वहाँ पर खाली जगह थी उस पर वह गिरने लगा। उसकी माँ उड़कर ऊपर की ओर चली गई, जब वह उसके नीचे से गुजरा तो उसे उसके पंखों की ध्वनि, उसकी जो पंखों की आवाज़ थी वो उसको सुनाई दी। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread upwards. अब उसको जो एक डरा देने वाला जो टेरर था वो उसको सुनाई दिया और फिर उसने देखा कि उसने अपनी पंखों की आवाज़ भी सुनाई दी। The next moment, he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and again his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. अब वो फील कर सकता था कि कैसे उसके फीदर्स उसकी विंग्स जो हैं हवा को काटती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। And he was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid
and he just fell a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 gal kola. His mother soared past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over his screaming. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curvetting and banking the and soaring and diving and soaring and diving. So उस समय बहुत बड़े जो डर से वह जकड़ सा गया था और उसका जो दिल था वो बैठ गया था. वह कुछ ही सुनने में कुछ भी सुनने में वह समर्थ नहीं था, सुन नहीं पा रहा था वो. परंतु यह सब केवल एक मिनट के लिए ही रहा. अगले ही पल उसने अपनी आंखों पंखों को बाहर की तरफ फैलता हुआ अनुभव किया और हवा उसकी छाती के पंखों से फिर उसके पेट के नीचे से तथा दोबारा उसके पंखों से टकरा कर जा रही थी. वह अपने पंखों के सिरों से वायु को काटता हुआ अनुभव कर रहा था. अब वह बिल्कुल सीधा नहीं गिर रहा था. वह धीरे धीरे नीचे तथा बाहर की तरफ उड़ान भर रहा था. जब वह भयभीत नहीं था, वह थोड़ा सा जो है स्तब्धता का एहसास कर रहा था और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उड़ान भरी. उसको फील हो रहा था कि मतलब वो हैरान हो रहा था कि वो कैसे उड़ पा रहा है. वह प्रसन्नता से चीख उठा और अपने पंखों को उसने फिर फड़फड़ाने उसने पुनः उसने फड़फड़ाने लगा अपने पंखों को. वह और ज़्यादा ऊँचा उड़ने लगा. उसने अपनी छाती ऊँची की और हवा के विरुद्ध डट कर डट गया और फिर आवाज़ निकालने लगा. गा 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 कोला की उसने आवाज़ निकाली. उसने पंखों से एक तेज आवाज़ करती हुई अपनी माँ तीव्रता से उसके समीप से निकल गया और उसने दूसरी चीख मारकर माँ को जवाब दिया. फिर उसका पिता चीखता हुआ उसके ऊपर से उड़ा. उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को उछल कूद करते पंखों को हिलाए बगैर उड़ान भरते और डुबकी लगाते हुए अपने चारों तरफ उड़ान भरते देखा. Then a monstrous terror seized him. It is done now. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded that. He completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar a curve and striking shrilly. सो वो ये बिल्कुल पूरी तरह से भूल गया था कि वह हमेशा उड़ान भरने में समर्थ नहीं था. उसको बिल्कुल याद ही नहीं रहा था कि वो उड़ नहीं पाता था. अब उसको लग रहा था कि वो बिल्कुल उड़ रहा है आराम से. उसको बहुत आसान लग रहा था, बहुत ही ईजी लग रहा था. और उसने जो है खुद की प्रसन्नता से चीखते हुए गोता लगाने लगा, अपनी तारीफ करने लगा और मंडराते एवं टेढ़ी उड़ान भरने की प्रशंसा उसने की. अब वह समुद्र के पास ही था और सीधी उसके ऊपर से उड़ान भरता हुआ बिना किसी संकोच के समुद्र को देखता हुआ सीधा उड़ रहा था. उसने अपने नीचे विस्तृत हरे समुद्र पर दृष्टि डाली जिसमें छोटी छोटी तरंगे तरंगित थी और उसने अपनी चोंच इधर उधर घुमाते हुआ खुशी से चीखने लगा और उसने प्रसन्नता से काय काय करना शुरू किया. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted. By the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family were screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish he had made his first flight. फिर उसके माता पिता और उसके भाई बहन समुद्र के इस हरियाले फर्श पर उससे पहले ही उतर आए थे और वह जोर की आवाज़ें उत्पन्न करते हुए उसे पुकार रहे थे और यह भयभीत होकर चीखा और उसने पंखों को फड़फड़ाते हुए अपने उठने का प्रयास किया. परंतु वह थक गया था और भूख के कारण दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था उस अनोखी कसरत की वजह से. और वह ज़्यादा थकावट होने के कारण उठ नहीं सका.
उसके पैर हरे समुद्र में धंस गए और उसके पेट ने उसे समुद्र को स्पर्श किया, फिर वह और ज़्यादा नहीं डूबा। इस पर तैर रहा था और इसके जो इर्द गिर्द उसका परिवार था वो प्रसन्नता से चीखते हुए उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उसकी चोंचें उसे छोटी शार्क मछली के हिस्से पेश कर रही थी। छोटी जो शार्क मछली थी उसके हिस्से जो है उसकी चोंच में आ रहे थे। उसने अपनी प्रथम उड़ान आखिर भर ली थी। तो आखिर बहुत ज़्यादा डर के बाद, बहुत ज़्यादा ये था उसको कि मैं वो नहीं उड़ पाएगा, वो फिर भी लेकिन वो उड़ पाया। तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स है स्टूडेंट्स, जैसे कि सीगल, ए बर्ड ऑफ सी, समुद्री पक्षी को बोलते हैं। लेज वर्ड मैंने यूज़ किया जिसको चट्टान का उभरा हुआ भाग जो होता है, शिला फलक जिसको बोलते हैं उसको लेज बोलते हैं। ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। एज या कॉर्नर आप बोल सकते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स होता है फैलाव, फैलना, एक्सपेंड होना। मस्टर, मस्टर मीन्स कलेक्ट, जुटाना। करेज, करेज मीन्स साहस। और प्लंग, प्लंग मीन्स आया है जंप, उछलना आप बोल सकते हो। और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर आए हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।